परमेश्वर का देखना इंसानों का सा नहीं है, मगर परमेश्वर का देखना इंसान से बहुत फर्क है। इंसान तो बाहर से देखता है, आपकी शान और शौकत, आपके कपड़े, आपका लाइफस्टाइल देखकर वो पहचानेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, मगर परमेश्वर आपको इन चीजों से नहीं देखता। एंड लेट मी क्लियर, कभी ऐसा मत कहो आई हैव अ बिग हाउस, सही जीसस मेरे साथ है, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, सी जीसस इज विद मी, आई हैव अ लॉट्स ऑफ सेविंग्स, जीसस इज विद मी। इस संसार में हमसे भी बहुत सारे लोग अमीर हैं, धनवान हैं, जिनके पास किसी ऐशो आराम की खटी नहीं है, पर वो ईश्वर पे बिलीव नहीं करते। हम संसार की सुख समृद्धि से ये कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि प्रभु मेरे साथ है। अगर इन्हीं सब चीजों को पाकर हम ईश्वर की महिमा कर पाते तो लूक 18 में जीसस ये नहीं कहते, मुझे तो इसलिए अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। तो उनकी दृष्टि में कंगाल कौन है? उनकी दृष्टि में कंगाल वो है जिसकी आत्मा उसके वचन के बगैर जीवन जी रही है। उनकी दृष्टि में वो व्यक्ति धनवान नहीं जो संसार की सुख समृद्धि से लेस है, पर वो व्यक्ति धनवान है जिसकी आत्मा में उनका वचन जल रहा है, बर्न कर रहा है, जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन बर्न होता है, लगातार चलता रहता है, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। डोंट से आई एम ए बिलीवर, विश्वासी मात्र विश्वास करता है, सिर्फ विश्वास करता है, पर चेला अपने गुरु का, अपने मालिक का, अपने स्वामी का अनुसरण करता है। कौन उड़ेगा? जब तुरही की आवाज आएगी तो कौन जाएगा? विश्वासी। बाइबल ऐसा कहती है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, तो मेरे विश्वास करने में क्या बड़ा काम हो गया? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, तो भी वो क्यों शैतान कहलाया जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, उसे विश्वास है देयर इज गॉड ऑलमाइटी, पर वो उसकी बातों को फॉलो नहीं करता। ऐसे कलीसियाएं भी हैं बहुत सारे, दे बिलीव इन जीसस बट दे विल नॉट ओबे हिज कमांडमेंट। शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, हम भी विश्वास करते हैं, तो उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर हुआ? उसने भी विश्वास किया तो वो क्यों आज तक शैतान है? वो इसलिए अभी तक शैतान है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करता। आर यू विद मी? हेलो, नाउ चेक योर हार्ट, आर यू बिलीवर और अ डिसाइपल? चेले उड़ेंगे, चेले सुनेंगे तुरी की आवाज, वो जिनको राजा खुद लेने आएगा, वो जिसको राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिलेगा। क्लेंजिंग हार्ट, प्योरिटी, ओबीडियंस, कंप्लीशन, देन इट विल बी रैप्चर्ड। हालेलुया। झूठ, कमेंट, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन, शबाब, व्यभिचार, कुविचार, कई प्रकार के बुरे व्यसनों को करने वाले व्यक्ति का चर्च में बैठ भी जाए, ईश्वर को अंगीकार भी कर ले, यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल आइडेंटिटी अभी तक बाहर नहीं आई। साफ साफ लिखा है कि मेरे अनुग्रह को पाप की आड़ मत बनाना। तुम्हें अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि तुम पाप करो, पर अनुग्रह इसलिए मिला है कि तुम इस अनुग्रह का फायदा उठाओ।